अस्सलामुअलैकुम। आज हम नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं 7th क्लास के। इससे पहले हमने 7th क्लास की 2 वीडियो कंप्लीट कर ली। आज हम नेक्स्ट इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसका पहला एमसीक्यूज कहते हैं कि 4/7 × 1/6 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखें, ठीक है। अगर ऐसे कोई भी रैशनल नंबर्स आ जाएँ जिनका वो बोले कि मल्टीप्लीकेशन करनी है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 दे देगा, नीचे वाला 42। अब ये देखेंगे ये 2 पे कैंसिल आउट होता है, हम इसको 2 पे कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा 2 और ये 2 2 ज़ा 4 और 1 2 1 ज़ा 2, 2/21 बन जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 2/21। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, अच्छा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 1/3/8 का। अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हमने जो भी नंबर गिवन होता है उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि वो कैंसिल आउट होके 1 दे दे, ठीक है। अब हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये कैंसिल आउट होके 1 दे दे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 8/3 के साथ, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट होके क्या दे देगा, 1 बन जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, 1। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करें 2/1/5 का। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। 2/1/5 गिवन, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ा 10 और इसके अंदर फिर 1 ऐड कर दें, तो ये 11/5 बन जाएगा। 11/5 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 दें, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/11 से, 5 5 से कैंसिल, 11 11 से कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। अगर इसी जगह पे पूछा हुआ हो कि 5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, मतलब एडिशन के लिहाज से एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, तो आपने एडिटिव इनवर्स होता है इज इक्वल टू 0, मतलब कि किसी ऐसे नंबर के साथ इसको ऐड या सबट्रैक्ट करना है कि आंसर हमारे पास 0 है, ये प्लस का है, तो हम इसको -5 के साथ सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट होकर क्या दे देंगे, 0, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में हमने 0 लेके आना होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हमने 1 लेके आना होता है। नेक्स्ट कहता है कि 1/3 है और 1/3 को डिवाइड करना है 5/9 के साथ। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। जिस जगह पे अगर 2 रैशनल नंबर के दरमियान डिवाइड की फॉर्म आ जाए तो उसको आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेना है और इसको चेंज कर देना है, लास्ट वाली रकम को चेंज हो गया। अब ये देखें 3 1 3 3 3 3 9, 3/5 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। सिर्फ आप लोगों ने चेक करना है जिस जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो उसको, जिस जगह पे डिवाइड आ रहा हो उसको आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कहते हैं कि ये 2 रैशनल नंबर्स की बना a+b/cd इक्वल टू cd+ab, तो 2 नंबर्स के बना है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज है। अगर a+b = b+a हो तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी कमोटेटिव कहलाती है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद एडिशन के लिहाज से कहलाती है, ठीक है। अगर एडिशन का नंबर हो और दोनों इक्वल हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी विद कमोटेटिव। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि 3/5 क्या है 5/6 से, तो ये क्या है, लेस देन है इससे, ये लेस देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। अगर इसके साथ ये लग जाए तो ये लेस देन और इक्वल देन का साइन बन जाएगा, अगर इसके साथ इक्वल का साइन लग जाए तो ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन बन जाता है और ये इक्वल का साइन होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर्स, अब आप लोगों ने इसका असेंडिंग ऑर्डर फाइंड करना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है, ठीक है। इसका आंसर ये लिखा हुआ है इधर, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें हमने फाइंड करना होता है बड़े से छोटे की तरफ, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। और ये इसमें आंसर इधर लिखा हुआ है। अच्छा आप लोगों ने ये जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही होती हूँ आप लोग ये क्वेश्चन साथ साथ करते रहा करें, ताकि मैथ तो आप लोगों की कवर हो जाए, उसके बाद इंग्लिश साइंस रह जाएगी, इस्लामियात को भी अगर आप लोग एक बार रीड कर लेंगे इस्लाम मैथ भी कवर हो जाएगी। ज़्यादा सदन नेम्स एंटर नेम्स का इशू होता है पेपर्स में और मैथ का, ठीक है। नॉर्मल और बाकी चीज़ें आप लोग देखते भी रहते हो करते भी रहते हो, मैथ तभी आती है जब आप लोग उसको एक बार या तो खुद से सॉल्व कर लें या उसकी प्रैक्टिस कर लें। ये मैथ वालों के लिए ईजी है, बट जो दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए ईजी नहीं है,
वो 2-3 बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, फिर वो अच्छे से तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट हम सुबह करेंगे।